साथ आरती सिंह आजाद, स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। राजधानी भोपाल में नर्सिंग छात्र अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि हम सभी विद्यार्थियों का आपसे विनम्र अनुरोध है कि सत्र 2019-2020 में सभी छात्रों को कोरोना बीमारी के कारण जनरल प्रमोशन किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में भी जनरल प्रमोशन किया गया था, किंतु कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि सभी नर्सिंग छात्रों का जनरल प्रमोशन रद्द कर दिया गया। जब हम सभी छात्रों ने यूनिवर्सिटी में पता किया तो हमें ज्ञात हुआ कि चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रमोशन रोक दिया गया है, जिससे सभी छात्र मानसिक रूप से परेशान हैं, क्योंकि छात्रों को परीक्षा का मानसिक तनाव रहता है और वर्तमान में कोरोना काल में पढ़ाई भी निरंतर नहीं हो पाई है। श्रीमान, जनरल प्रमोशन हो जाने के कारण छात्रों द्वारा वर्तमान परीक्षा की तैयारी नहीं की गई है, किंतु बाद में जनरल प्रमोशन रद्द होने से छात्रों को परीक्षा की तैयारी में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। सर, हमारा कहने का मतलब ये है, जब सारी यूनिवर्सिटी को प्रमोशन दिया जा रहा है तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम भी तो एक मेडिकल स्टूडेंट है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है जब सबको दिया जाए तो? कुछ भी हो सर, हम लोग ये नहीं जानते कि हमारा, हम भी सपोर्ट दे रहे हैं, हमने भी योगदान किया था हॉस्पिटलों में, हमने भी मदद की थी, लेकिन हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है। और हम लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, हम लोग थर्ड ईयर में पढ़ाई करेंगे या सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देंगे? पहले हमें तत्व में आप लोग आए हैं, वो कहाँ से आए हम अपने खुद से आए सर। हमें पहले कहा गया कि हमें प्रमोशन मिलेगा, अभी हमारा पहले लेटर आया था, न्यूज़पेपर में आ गया कि मेडिकल छात्र छात्राओं को प्रमोशन दिया जाएगा, और अभी ये 15 जनवरी को फिर से लेटर आया कि ये इससे निरस्त किया जा रहा है। सर ऐसा क्यों? पहले तो हमने कुछ बोला नहीं था, अब हमें पहले बोल दिया गया कि आपको प्रमोशन मिलेगा। किससे मांग मांगने जाना? हमने विश्वास सारंग जी के पास हमें मांग मांगने जाना है सर, आज वो अपने उधर थे नहीं घर पे, इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर हैं और हमें उनसे बात करनी है। हमने रामेश्वर शर्मा जी से बात की है, उन्होंने हमें बोल दिया है, उनने हमारी बात रखी कि आपके आगे तक बात पहुँचाएंगे। अभी तो नहीं, कुछ ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ऐसी कोई बात नहीं हो जो सर बोले कि हाँ हो जाएगी। नहीं मानेंगे तो क्या करोगे आप? हम लोग प्रदर्शन करेंगे, हमारे एमपी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट साथ, हमारे यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट साथ में हैं, जो हम सबको लेके आए नहीं है, क्योंकि हमें बोला गया था लिमिट स्टूडेंट में आना, बात करना, आपकी बातों को रखी जाएगी, इसकी वजह से हम सभी स्टूडेंट को नहीं लेके आए हैं। शांतिपूर्वक अपनी मांगे मांगे। हाँ, अगर नहीं होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं इसके। लेकिन सर, हम शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, हम शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, हमें मिल जाएगा, कुछ नहीं करेंगे सर। हमें कोविड-19 में, थर्ड ईयर की स्टूडेंट है, हमें कोविड-19 में ड्यूटी कराया गया, क्यों कराया गया? हमें पढ़ने के समय पर हम ड्यूटी किए हैं, आज बोल रहे प्रमोशन नहीं देंगे। और MPMSU ने सबसे पहले ये बोला गया था कि आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, उन्होंने साइट में, उन्होंने न्यूज में, सब जगह में उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो हमें प्रमोशन दे रहे हैं। ठीक 15 दिन बाद उन्होंने ये लेटर भेजा कि अब हमें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, निरस्त किया जाएगा। सर आप ही बताइए, हम थर्ड ईयर की पढ़ाई, हमारा सेशनल अक्टूबर में कंप्लीट हो चुका होता है BSc नर्सिंग वालों का, अब आप बताइए फरवरी में ये लोग ये बोलते हैं कि आपका प्रमोशन निरस्त किया जाता है, तो अब हम पढ़ाई करेंगे या अपने पेपर की तैयारी करेंगे? एक महीने में 15 दिन में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, आप ही बताइए। हम बस शांतिपूर्वक यही डिमांड रखना चाहते हैं कि आप हमारी बातें मानिए, और आप हमें जो हमको बोला गया था प्रमोशन का, तो वो हमें प्रमोशन चाहिए। क्या प्रमोशन बाकी यूनिवर्सिटी वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, उनको कोविड की दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने उन लोगों ने प्रमोशन दिया, बट क्या हम नर्सिंग वाले बच्चों को प्रमोशन की नीड नहीं है? क्या हमें कोविड से नहीं है? आप ही बताइए, कोविड से खतरा नहीं है हम लोगों को? हम क्या लोगों की सेवा कर सकते तो हमें क्यों ऐसा हो? जब हम खुद हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं लोगों के लिए, तो कि हम लोगों की मांग क्यों नहीं पूरी कर सकते? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।